टीवी के पॉपुलर शोज में से एक अनुपमा में 15 साल का जेनरेशन लीप आया है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर इस शो में लीप के बाद कहानी और इसके कलाकारों में काफी बदलाव देखने को मिला है, जिसमें कई नए कलाकार भी शामिल हुए हैं। बीते दिनों ऐसी खबरें आई थी कि लीप के बाद अनुपमा में रौनित रॉय भी नजर आ सकते हैं। अनुपमा में आ रहे लीप की वजह से कई कलाकारों ने शो को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद मेकर्स ने नए स्टार्स को शो में कास्ट किया है। लीप के बाद शो में काफी कुछ बदल गया है, जिसे देखने के बाद अनुपमा फैंस एक्साइटेड हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अनुपमा में रौनित रॉय एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अब एक्टर ने खुद इसको लेकर सच बताया है। शो में जेनरेशन गैप की वजह से मेकर्स कहानी को और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए सितारों की तलाश कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि रौनित रॉय शो में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब रौनित रॉय ने इस पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। टाइम्स नाउ से बातचीत में रौनित रॉय ने इस खबर को महजे का फवाह बताया है। एक्टर ने इस बात की पुष्टि की कि ये रिपोर्ट झूठी है और इसमें कुछ भी सच नहीं है। रौनित रॉय ने बताया कि मैंने शो के लिए कोई भी ऑडिशन नहीं दिया है। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।